एक बार फिर से सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पीजीपीएल सीजन 5 आज के दिन का दूसरा मुकाबला स्टार क्लब जीएच बनाम गांची लायंस साउथ। टॉस जीता था गांची लायंस साउथ के कप्तान ने फील्डिंग का फैसला। पहली गेंद और इस इनिंग के आगाज की है 6 के साथ। यहाँ पर स्टार क्लब जीएच की टीम की रोजर और केपी दो ओपनर और गेंदबाजी करते हुए मोनिश। और 6 के बाद है बढ़िया वापसी। ये मुकाबले टेनिस क्रिकेट डॉट इन यूट्यूब चैनल पे आप घर बैठे भी आनंद उठा सकते हो। इस बार बैकफुटर जाकर कट किया, कवर के फील्डर को बीट किया, आउटफील्ड तेज और शायद नहीं रोक पाएंगे जी आप। बाउंड्री रोप को टकराती हुई गेंद, ये आता हुआ परमार स्वीट चौका। में खेला था 4 रन के लिए। एक बार फिर से छोटी गेंद, उसी दिशा में उस गेंद को खेला है बाई तरफ से फील्डर के, एक और बैक टू बैक चौका, 2 लगातार। लेकिन टूर ऑफ स्टंप से वाइड करार दिया अंपायर द्वारा, अतिरिक्त रन का इजाफा स्कोर की संख्या में। मजबूर किया वो दूर गेंद करने के लिए गेंदबाज को, जिस तरह से 2 चौके लगाए थे। 4 गेंदों की खेल के बाद 15 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। इस बार भी क्लियर किया 30 गज के दायरे को, 1 बाउंस। रन
तीन चौके एक सिक्सर वाइड और एक विकेट। एनालिसिस इस ओवर का अभी तक आखिरी गेंद शेष इस पहले ओवर की। कदमों का इस्तेमाल, आगे निकल कर आए और सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक, इंतजार अंपायर के इशारे का, चार रन का इश्तेहार। लेकिन उसके बाद लगातार चार चौके केपी की बल्ले से, काउंटर अटैक। स्ट्राइक पर अब रहेंगे भावेश परमार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज संजय परमार नए स्पेल की शुरुआत करेंगे। इस बार बढ़िया गेंद है, सीधे बल्ले से जरूर खेला था, धीमी हाथों से रन चुराया, इस दौरान रनआउट का भी मौका जरूर बना था नॉन स्ट्राइक रेंज पर, और एक के साथ वो दूसरा रन आया ओवर थ्रो के स्वरूप में। रनआउट के लिए एक कोशिश थी, लेकिन बैकअप रहना चाहिए आपको, जो फील्डर्स वहां पर रोकना चाहिए था उस गेंद को। एक एक रन महत्वपूर्ण, ऑलरेडी जो है वो 25 हो चुका है स्कोर, तो आपको एक अच्छी एफर्ट की जरूरत अगर दबाव कुछ बनाना है। इस बार रूम बना है उस गेंद को, एलिवेशन मिला है, डिस्टेंस नहीं, सीधा तैनात फील्डर के हाथ में उस गेंद को तमाम बैठे है। हर एक गेंद को उड़ाने की कोशिश, लेकिन उस कोशिश में आउट होकर पवेलियन में जा चुके। विकेट टू विकेट गेंद रूम बनाकर ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश, इतना आसान नहीं रहता वो गेंद, हालांकि वो उस दिशा में खेलने वाली नहीं थी, इसलिए रिजल्ट बेहतर नहीं ले पाए। बाहुबली और केपी, अब बल्लेबाज स्ट्राइक पर मौजूद जो है केपी, चार चौके 16 पे पहुंचे चार गेंदों पर। एक दशमलव दो ओवर के बाद 25 रन दो विकेट के नुकसान पे स्टार क्लब जीएच। इस बार गेंद को आने दिया, रन लेने की कोशिश नहीं इस बार की, क्योंकि फील्डर काफी नजदीक थे। तो इंस्टाग्राम पर भी एक पेज क्रिएट किया है ऑर्गेनाइजिंग कमिटी ने PGPL, तो आप जरूर फॉलो कर सकते हो, जो लाइव टेलीकास्टिंग है वो tenniscricket.in यूट्यूब चैनल पे। लेफ्ट आर्म, इस बार बढ़िया उछाल, अपील कॉट बिहाइंड के लिए, अंपायर असंतुष्ट, नकारा उस अपील को, लेकिन गेंद काफी बढ़िया थी, बढ़िया उछाल, बढ़िया रिलीज यहाँ पर देखने को मिला, अच्छी वापसी गेंदबाज की। कोशिश यही रहनी चाहिए, अगर स्लॉट में गेंदे करेंगे छोटी करेंगे तो यकीनन बल्लेबाज जो है मौका रहेगा बड़े स्ट्रोक के लिए। बढ़िया गेंदबाजी यहां पर, विकेट टू विकेट, रनआउट का भी मौका बन चुका था, लेकिन गेंद जो है वो हाथ में नहीं आई फील्डर के। एक अच्छा एफर्ट, एक अच्छा रनआउट वापसी करवाएगा आपके टीम को। स्ट्राइक पर पहली मरतबा बाहुबली यहाँ पर, स्टार क्लब जीएच की ओर से खेलते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज फील्ड का मुआवरा करते हुए। 1.5 और 26 पे दो स्टार क्लब जीएच।
हाँ, पर खेलते ही दौड़ पड़े थे मंशा थी रन लेने की, और शायद वो ओवर थ्रो के शुरू पे भी कुछ रन मिलेंगे और पूरे। हेलो, दो दशमलव चार ओवर, 36 पे 2, 36 for 2। बढ़िया गेंद यहाँ पर, पूरी तरह से बीटवेस अपनी जगह पर ही खड़े रहकर उस स्ट्रोक को खेलना चाहते थे फ्रंट फुट पर आकर। गति बढ़िया थी, लाइन और लेंथ तो बढ़िया थी, पूरी तरह से चूके वहां पर बल्लेबाज केपी। 17 पे बल्लेबाजी करे 9 गेंदों में 4 चौके की सहायता से। बाहुबली 10 पे 4 गेंदों में, विकेट के बाद वो साझेदारी की कोशिश अच्छी गति के साथ। बढ़िया गेंद, सीधे बल्ले से पूरा सम्मान किया उस गेंद का, गेंदबाज की दिशा में खेला, रन लेने कोई गुंजाइश नहीं। ओवर की समाप्ति 3 के बाद 36 रन 2 विकेट के नुकसान पे स्टार क्लब आफ्टर 3 ओवर्स 36 for 2। सत्रह पे बल्लेबाजी करे के भी 10 गेंदों में, बाहुबली 10 पे 4 गेंदों में, और टीम का कुल योग है स्टार क्लब जी 36 पे 2। ये आखिरी लीग मैच पीजीपीएल पुणे गांची प्रीमियर लीग 2022, ये पांचवा सीजन विजन से लाइव मुकाबले, आज का ये सेकेंड लास्ट डे। tenniscricket.in पे लाइव टेलीकास्टिंग, क्रिक हीरोज पे लाइव स्कोरिंग, इंस्टा पे आप पीजीपीएल पेज को भी फॉलो कर सकते हो। दर्शक हमारे साथ जुड़ नहीं पाए ग्राउंड पर, वो घर बैठे भी आनंद उठा सकते हो, फॉलो कर सकते हो। दुविधा में थे, इस बार ऑन साइड की दिशा में खेलना चाहते थे, आखिरी वक्त तक बल्ले के जो फेस था उसको खोला, थर्ड मैन की दिशा में खेला था, एक रन जरूर मिला, लेकिन कंट्रोल में नहीं थे इस गेंद को खेलने के लिए। गेंद बढ़िया थी, सबसे बेहतरीन तरीका होता है ना गेंदबाज के पास अगर विकेट छटकाना चाहते हो तो लाइन और लेंथ सही डाले, मौका जरूर बनेगा, बल्लेबाज कुछ गलती जरूर करेगा। इस बार आगे निकल कर आए थे, मजबूर क्या था वहां पर क्रीज छोड़ने के लिए, जिस तरह से मैं बात कर रहा था कि रन्स नहीं आते ना तो गड़बड़ाहट रहती है बल्लेबाज की, जरूर कुछ ना कुछ कोशिश रहती है क्रीज का इस्तेमाल आगे आकर खेलना। इस बार फिर से टाइमिंग नहीं, बैकफुट पर भेज दिया था पूरी तरह से, जिस तरह से गति में यहां पर गेंदबाजी कर रहे, लाइन और लेंथ पे मिश्रण, अच्छी गेंदबाजी वापस संजय परमार, 1.3 ओवर में 9 रन दिए है, 1 विकेट भी छटकाया, 6 का इकोनॉमी। यह सिचुएशन में जब टीम का रन रेट है 10 रन तो कोशिश अच्छी कर रहे हैं यहाँ पर संजय। इस बार ये फुल टॉस गेंद थी, लेकिन शायद दो उम्मीद नहीं कर रहे थे, पोजीशन में बिल्कुल नहीं थे, गलत लाइन को खेल बैठे वहां पर बल्लेबाज, एक और डॉट गेंद। बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर, छोटे कद के गेंदबाज लेकिन जिस तरह से गति में यहाँ पर मिश्रण कर रहे, लाइन और लेंथ बिल्कुल सही है, और 3.5 गेंदों 37 पे 2 आखिरी गेंद इस चौथे ओवर की, और फिनिश भी काफी बढ़िया किया यहाँ पर, जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा यहाँ पर संजय परमार की ओवर में आए, मात्र 1 रन, एक अच्छी ओवर की समाप्ति गांची लायंस ऑन टीम के लिए, 4 के बाद 37 पे 2 स्टार क्लब जी एच अप टू 4 ओवर्स 37 for loss of 2 wickets. पहली दो ओवर के खेल में 31 रन थे, जैसे हमारे स्कोरर अनमोल बता रहे, और जो तीसरा और चौथा ओवर था उसमें दोनों ओवर मिला के मात्र 6 रन, अच्छी वापसी यहां पर,
ये अच्छा होता है ना कांटेस्ट गेंद और बल्ले के बीच में, अगर लाइन और लेंथ अब अच्छी डाली तो आपके पास भी मौका रहता है दबाव बनाने का। तो कांटेस्ट अभी तक अच्छा लगा, ये दोनों भी टीम्स की ओर से, किसी की जीत के साथ किसी का रास्ता डिफिकल्ट हो जाएगा, बाहर हो जाएगी टीम। तो ये एक एक मैच महत्वपूर्ण होता है, ये लीग का आखिरी मुकाबला, नंबर एक नंबर दो की टीम के पास एक और मौका रहेगा जीवित रखने का। हवा में गेंद है, दबाव जरूर बनाया और शायद जो लॉन्ग ऑफ के फील्डर थे उनकी गेंदे ज्यादा आई थी पिछली ओवर में, दबाव बनता दिख रहा था तो रिलीज करने की कोशिश, पहली गेंद पर कामयाब। क्रीज का इस्तेमाल इस बार, लेकिन गेंदबाजी बढ़िया, छोटी गेंद की, देखा कि ऑफ स्टंप के बाहर चले गए थे बाहुबली, वहां पर लेंथ को कम किया, उछाल बढ़िया मिला पूरी तरह से, वहां पर मुश्किल में थे बल्लेबाज उस गेंद को खेलने के लिए, फॉलो किया बल्लेबाज को, टॉट गेंद, छह के बाद वो दो बिंदी गेंदे। इस बार डीप स्क्वायर की तरफ खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद है, एक रन जरूर मिलेगा। तो दो डॉट गेंदों के बाद वो सिंगल, स्ट्राइक रोटेशन, केपी 17 पे बल्लेबाजी कर रहे 15 गेंदों में और बाहुबली 18 पे 9 गेंदों में, 44 पे 2 स्टार क्लब जीएच, पांचवा ओवर या प्रगति पर। सीधे बल्ले से खेला हुआ है स्टोक, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ दो फील्डर वहां पर मौजूद है, लॉन्ग ऑफ की फील्डर ने गेंद को कलेक्ट किया, थ्रो आई नॉन स्ट्राइक रेन की तरफ एक रन। तो जो पहली गेंद पर जो 6 रन आए थे उसके बाद देवेन ने बढ़िया वापसी की है, 2 रन ही दिए हैं पिछली 4 गेंदों पर, और फिनिश भी शायद बिंदी गेंद के साथ ही करेंगे। तो अच्छी वापसी, 6 के बाद आए कुल मिला के 2 रन बची हुई 4 गेंदों में, और ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति 45 पे 2, 45-2 आफ्टर 5 ओवर्स, आधे ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त हो चुका है। इस रन गति के साथ अगर रन बनते तो बनेंगे 90, लेकिन सेठ बल्लेबाज अगर मौजूद है आखिरी ओवर तक तो शायद वो 100 का आंकड़ा भी पार कर सकते हैं। ऐसी बातचीत यहाँ पर चलती हुई, खांची लायंस के कप्तान ने टॉस जीता था, गेंदबाजी का फैसला आखिरी लीग मैच चलता हुआ। नेवर की शुरुआत यहाँ पर सुरेश के, पहली गेंद डीप मिड विकेट की तरफ खेला, यहाँ पर एक रन का इजाफा केपी और स्कोर की संख्या में। यहाँ पर भूल गया, वहां पर स्केले मौजूद,
स्टार क्लब जीएच की टीम ने कोशिश यहाँ पर अच्छी एक ओवर में एक बड़ा स्ट्रोक जरूर खेलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर अब बाहुबली और केपी 52 पे 2 अब 5.2 के बाद स्टार क्लब जीएच। पार नीचे भी रही है और एक अतिरिक्त रन भी यहाँ पर मिलेगा स्टार क्लब की टीम को। दोबारा ये गेंद करनी पड़ेगी गेंदबाज को। ये स्लॉट में गेंद थी यहाँ पर लॉन्ग ऑफ की तरफ, फील्डिंग बढ़िया की है, शरीर को पीछे लेके आया यहाँ पर, गति जो थी वो उसको कम किया फील्डर ने, ये बात अच्छी थी, जो जंपिंग टाइमिंग थी वो सही, इस कारण से वो चौका रोकने में कामयाब हुए वहां पर। 54 पे 2 अप स्टार क्लब। एक और वाइड गेंद यहाँ पर, एक और अतिरिक्त रन, अनुशासन जिसका महत्व ज्यादा होता है, जितने रन आप एक एक्स्ट्रा दोगे जितने आपको बनाने पड़ेंगे चेस करते समय। कदमों का इस्तेमाल किया था इस बार, लेकिन गेंद इस बार अच्छी थी, वापसी की वहां पर गेंदबाज की गति के साथ उछाल इतना मिला नहीं जितनी अपेक्षा कर रहे थे बल्लेबाज। डॉट गेंद ये फुल टॉस, हवा में गेंद, टाइमिंग को बिल्कुल नहीं थी, क्या जरूर छूटा, प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पर दिखाया और रन आउट के स्वरूप में वापस। छोर की समाप्ति 55 पे 3 स्टार क्लब। छोर की समाप्ति के बाद 55 पे 3 इस पीजीपीएल सीजन 5 के लिए जिन्होंने अपना सहयोग दिया, सभी हमारे भामाशाह स्पॉन्सर्स जिनका योगदान इस टूर्नामेंट के आयोजन में, श्री बिकाराम जी परिहारिया, श्री गीसाराम जी परिहारिया, श्री बुराराम जी परिहारिया, विजय लक्ष्मी फूड प्रोडक्ट्स, नमकीन चिवड़ा पोटैटो चिप्स एंड फ्रीडम जो प्रोडक्ट है, यस जस्सी के जो भामाशाह,
आजीवन सहयोग करता टीम जर्सी, जो सभी टीमों को जर्सीज प्रोवाइड की गई सभी भामाशाह से स्पॉन्सर्स। इस टूर्नामेंट के जो आधार स्तंभ भोपाची सुरेश जी सोलंकी, कोतवाल श्री भारत जी सोलंकी, उसी से कलाओं का इस्तेमाल, मिड विकेट की तरफ खेला है, फील्डर मौजूद, एक रन जरूर मिला लेकिन स्ट्रोक बढ़िया था। ये सातवां ओवर प्रगति पर 6.260/3 60 for loss of 3 wickets। लॉन्ग द गाफेट एक बार फिर से मिड विकेट की दिशा में इस गेंद को खेला अरुण परमार और इस एक रन के साथ अपना खाता भी खोला। तो लगभग जो करंट औसत है 9.38 प्रोजेक्टेड स्कोर यहां से 94। सेट बल्लेबाज बाहुबली अगर टिकते ये कनेक्शन ये वाइड गेंद, ये बचने की कोशिश लेकिन दिशा यहाँ से भटकते हुए दोबारा ही गेंद को करना पड़ेगा। अतिरिक्त रन का इजाफा 74/3 अब। इस बार क्रिस का इस्तेमाल जरूर करना चाहते थे लेकिन मन बदला अपना, स्क्वेयर की दिशा में गेंद को जब तक फील्ड किया जाता एक रन अच्छा हो रही है। लेकिन स्टार क्लब जीएच के लिए दो बड़े हिट्स उसके पास, स्ट्राइक रोटेशन 7 की समाप्ति के बाद 75/3 आफ्टर 7 ओवर्स 75 for loss of 3 wickets। तो जो पहला पारितोषिक है इस टूर्नामेंट के लिए 75 7 ओवर्स 75 for 3, तो पहला जो प्राइज है इस टूर्नामेंट के लिए उसके जो भामाशाह जो स्पॉन्सर्स श्री जितेंद्र परमार, श्री लक्ष्मण परिहार, श्री नितिन परमार, श्री गणेश सोलंकी, श्री रमेश सोलंकी, श्री सागर सोलंकी, नीलेश नकुम परमार जी, श्री दिनेश जी परमार, श्री राज परमार, कुमार सूरज परमार, जिनका योगदान फर्स्ट प्राइज के लिए। गणपति आरती के भामाशाह परमार ट्रेडिंग कंपनी डांगे चौक की ओर से नितिन जी, भवरलाल जी परमार, द्वितीय पारितोषिक के भामाशाह महेश हार्डवेयर लक्ष्मीनगर पर्वती जी की ओर से सोनलाल जी, डोवा जी भाटी, मैन ऑफ द सीरीज के भामाशाह स्पॉन्सर हमारे कुमार आर्यन, सुधाराम जी राठौड़ सोजत सिटी, श्री अक्षय ट्रेडर्स निगड़ी पुणे और कुमार प्रकाश सुरेश जी परियार मनिहारी हितला जी सुपर मार्केट निगड़ी पुणे, जिनका योगदान भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी अपनी एफर्ट अपना योगदान देते हुए इस पूरी पीजीपीएल के आयोजन में हर मैच का जो मैन ऑफ द मैच है उसके जो स्पॉन्सर हमारे भामाशाह श्री विनोद जी, सोनलाल जी पवार, खेरवार देवलक्ष्मी हार्डवेयर इलेक्ट्रिकल सोमाटनी फाटा, श्री राकेश सोनलाल जी पर पवार, ये हवा में गेंद है, फील्डर दूर थे लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के।
काफी देर तक गेंदबाज में थे, लेकिन शायद वो मन बदला, चौका रोकना चाहते थे इसलिए वो कैच के लेने गए। काफी दूर भी थी गेंद। जो जल व्यवस्था जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है, काफी गर्मी यहाँ पर मौजूद, जो जल व्यवस्था के भामाशाह हमारे श्री गिगलेची कनेची राठौड़ जिगर प्लास्टिक वारजे पुणे, श्री हरमवत जी गणेश जी राठौड़ पीयूष प्लास्टिक वारजे मालवाड़ी पुणे, चाय की भामाशाह हमारे श्री मनीष जी बुराराम जी गहलोत रामदेव टी कंपनी अड़पसर पुणे, टॉस का बॉस के भामाशाह श्री कैलाश जी हरिराम जी पर हरिया सरोवर सुपरमार्केट धन ये काम बढ़िया किया है, सिंगल देकर स्ट्राइक दिए बाहुबली को। इस बार जितना स्ट्राइक लेंगे सेट बल्लेबाज उतना बेहतर बल्लेबाजी टीम के लिए। 77 हो गया अब स्कोर 77, चार विकेट के नुकसान पे 7.4 ओवर के बाद। इस ओवर के बाद दो ओवर अभी भी शेष। पूरा 10 का करंट औसत यहाँ पर 100 के आंकड़े के करीब यहाँ पर पहुंचती हुई टीम, अगर इस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। कोशिश यही रहेगी यहाँ पर फील्डिंग साइड की कि एक जो स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करे बाहुबली, उनका विकेट काफी क्रूशल। वाइड गेंद यहाँ पर, अतिरिक्त रन, टीम की संख्या में इजाफा होता हुआ। शॉट गेंद यहाँ पर, बड़े स्ट्रोक की कोशिश लेकिन गलत लाइन को खेल बैठे यहाँ पर। आखिरी गेंद कलाइयों का इस्तेमाल यहाँ पर, मिड विकेट की दिशा में खेला है और सिंगल के साथ इस ओवर की भी समाप्ति हुई। 8 के बाद 78 रन, 4 विकेट के नुकसान पे स्टार क्लब। 8 ओवर्स 78 for loss of 4 wickets. ओवर की शुरुआत डॉट गेंद के साथ, कोशिश बड़े हिट्स की यहां पर। 5 यहाँ पर करते हुए नब्बे ओवर की शुरुआत यहाँ पर और रेखा बड़े हिट्स के साथ।
ये छोटी गेंद और ट्रीटमेंट दिया इस गेंद को, मिड विकेट की बार, एक और 6 रन 50 के बाद अब एक्सेलरेशन पे पैर रख दिया है बाहुबली ने। दो लगातार बड़े हिट्स, स्कोर जा पहुंचा 91 रन 91 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट, 8.2 लीगल 10 गेंदें शेष और इस ओवर का जो आगाज बड़े हिट्स के साथ मोनिश गेंदबाजी करते हुए 2 गेंदों पर 2 लगातार सिक्स और 58 पे पहुंचे बाहुबली 23 गेंदों में। जो 6 और 4 के मारे जो भामाशाह है, स्पॉन्सर है बाबूलाल जी, स्वर्गीय गोपाल जी, नकुम परमार बंधु मिठाई वाले क्रिकेटवाड़ी, जिनका योगदान भी है इस पूरी टूर्नामेंट के आयोजन में, बेस्ट बैट्समैन के भामाशाह हमारे श्री सोनलाल जी, भंवरलाल जी, नकुम परमार, भंवर जी ट्रेडर्स नांदेड़ पाटा पाचीटिया। ये वामे गेंद मौका बनाए, काफी महत्वपूर्ण इस कैच, जो महत्व काफी ज्यादा था, ये बाहुबली सेट बैट्समैन का ही विकेट था, गेंदबाज के पास खुद मौका था, एलिवेशन समय भी था एलिवेशन के नीचे आने के लिए, लेकिन वो कैच को छोड़ा है। 2 लगातार सिक्सर, तीसरे की कोशिश, टाइमिंग बिल्कुल नहीं थी भाग्य का साथ, लेकिन यहां पर अंदरूनी किनारा लगा, रन लेने की कोशिश थी लेकिन ओवर थ्रो के स्वरूप में वो पहुंच गए थे, यहां पर अपील भी किए लेकिन शायद पहुंच गए बाहुबली, जब तक बेस बिखारे जाते एक बार फिर से 1 रन का इजाफा। स्कोर जा पहुंचा 93 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स 8.4 के बाद और यहां से बची हुई है 8 गेंदें। छोटी गेंद थी, एक बार फिर से फाइन लेग की हवा में गेंद थी, कैच के लिए यहाँ पर कन्विंस्ड है फील्डर, फेंकना पड़ेगा यहाँ पर ऑफिशियल, कैच लिया है या चेक करना पड़ेगा यहाँ पर, कन्विंस्ड तो है यहाँ पर पूरी फील्डिंग साइड और फील्डर भी कि कैच को ठीक तरह से लिया है और शायद बाहुबली यहाँ पर ऑफिशियल डिसीजन। आउट है या नहीं है, कैच लिया है या नहीं है, कृपया आप कंफर्म कीजिए। यस आउट, तो बाहुबली को यहां पर वापस जाना होगा पवेलियन में, क्योंकि कन्विंस्ड है यहां पर ऑफिशियल भी, कैच लिया है तो एक अच्छी पारी का अटैकिंग क्रिकेट खेलकर पवेलियन में जाते हुए, लेकिन अपना काम बढ़िया तरीके से किया है।
भगवती ग्लास नरे डुडसी जालोर। खेल सामग्री के भामाशाह श्री ताराचंद स्व जीताजी बाटी। तो छोटा छोटा जो कंट्रीब्यूशन है सभी का इस बार कवर के दिशा में खेला है और नहीं रोक। चौके के साथ खाता भी खोला। ये हवा में गेंद है लेकिन बीट क्या हुआ पर कोई मौका नहीं। इस बार जब तक फील्ड करते वहां पर कवर की दिशा में उस गेंद को एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 110 110। मिड विकेट की तरफ अब सिंगल के साथ फिलहाल रन जो बन रहे हैं क्योंकि सेट बल्लेबाज विकेट पर मौजूद नहीं है। दो नए बल्लेबाज जब मौजूद होते हैं तो थोड़ा सा वो डिफिकल्ट बड़े स्ट्रोक खेलना। आखिरी गेंद अब पारी की 111 रन नेल्सन एक 6 विकेट के नुकसान पे 111 और रन आउट यहां पर 22 के स्वरूप में वो रन लेने की कोशिश आसान सा रन आउट तो 111 पे।
परमार, महेंद्र सोलंकी, नितिन वाटी, राकेश परिहार, आकाश परिहार, भावेश नकुम, प्रशांत सोलंकी, ऋतिक परिहार, जगदीश परमार, प्रेम भाटी, विजय परिहार, भरत सोलंकी, रोहित परमार और गोविंद सोलंकी। ये पूरी हमारी युवा कमेटी पीजीपीएल की। सो 13 रन का लक्ष्य यहाँ पर ओपनर से बीच मैदान में और ऑफ साइड की दिशा में खेला है जब तक इनको फील करते दूसरे रन के लिए वापसी। तो 11 से ऊपर का जो आस्किंग रेट है तो इसके लिए चाहिए एक अच्छी शुरुआत। पहले 1 2 3 4 4 नंबर के जो बल्लेबाज है एक अच्छी अटैकिंग क्रिकेट यहाँ पर खेलनी पड़ी। तो अच्छी क्रिकेट पहले 4 बल्लेबाजों की ओर से यहाँ पर खेलना होगा। यहाँ पर ऑनसाइड दिशा में खेला है मिड विकेट की तरफ, हल्की सी जो मिसफील्ड थी उसके कारण से मौका मिला वो दूसरे रन के लिए वापस आने के लिए। तीस गज के दायरे को पार किया यहाँ पर, कुछ बाउंस लेके गेंद जो है हवा में जंप मार के उस गेंद को कलेक्ट किया था, रन रोकने में कामयाब। कुछ अच्छा दिन रहा है आज बाहुबली का बल्ले के साथ कंट्रीब्यूशन। तो 5 गेंदों का खेल यहाँ पर हुआ है, 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। पहले ओवर की समाप्ति, 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। गांची लायंस ऑन, 104 रन चाहिए यहाँ से 54 गेंदों में। गोपाल यहाँ पर 8 पे बल्लेबाजी करते हुए 5 गेंदों में और किरण 1 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं 1 गेंद में। पीजीपीएल 5वां सीजन, ये विजन से लाइव मुकाबले चलते हुए आखिरी लीग मैच। स्टार क्लब अगर जीता है तो थिरगांव का रास्ता थोड़ा सा डिफिकल्ट। हमारे साथ कुछ दर्शक यहाँ पर मौजूद है, जरूर हम कुछ बातचीत करना चाहेंगे। सर आपका नाम? पुनाराम नकुम परमार। पुनाराम नकुम परमार। परमार जी, किस टीम को आप सपोर्ट करते हो, कैसे एंजॉय कर रहे हो इस पीजीपीएल 5वें सीजन को? वानोड़ी। वानोड़ी टीम को, और एंजॉय कैसे कर रहे हो एज अ दर्शक यहाँ पर? अच्छा है, कड़ी धूप है यहाँ पर विजन पे, लेकिन आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े एंजॉय कर रहे हो, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जिनको आप आपको लगता है कि बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे फाइनल्स में वो जाएंगे? स्टार क्लब बाहुबली। बाहुबली आज बड़े स्ट्रोक भी देखने को मिलेगा बाहुबली स्टाइल्स में, कुछ बड़े हिट्स हमें देखने को मिले। आप उम्मीद करते हैं कि ये टीम फाइनल में जाए? फाइनल में जाएगी स्टार क्लब। आपके घर के लोग भी है, छोटे बच्चे बुजुर्ग लोग? 2 जन हम लोग। घर से देख रहे यूट्यूब चैनल पे भी पूरे जो टूर्नामेंट है? इधर ही हम लोग देख रहे, ग्राउंड पे आके एंजॉय कर रहे हो। धन्यवाद परमार जी। तो परमार जी मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर।
से विजन से हम लाइव कुछ और दर्शकों के साथ भी जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। YouTube चैनल पे भी मैच चल रहा है। नहीं देख रहे सर, नहीं देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप उनको भी बताएं YouTube चैनल tenniscricket.in YouTube चैनल पे भी जरूर जरूर दिखाएंगे। किस टीम को सपोर्ट करते हो आप? ये अपना थेरगांव को, थेरगांव को। स्टार क्लब अगर जीती है तो शायद थेरगांव का रास्ता थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इजी हो जाएगा। जीती है तो डिफिकल्ट हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, शायद बाहर जा सकते हैं। लेकिन आप इंजॉय कर रहे हो, आपकी जो हंसी है वो हमें दिखाई दे रही है। पीजीपीएल कमेटी जिस तरह से काम कर रही है, मैं सुनना चाहूंगा कि आप खुश हो? बहुत खुश है, बहुत अच्छा से कर रहे हैं, बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं हम लोग सब लोग, बहुत अच्छा। आपको क्या लगता है थेरगांव अगर बाहर जाती है तो कौन सा टीम है उसको आप सपोर्ट करेंगे? आपको लगता है कि फाइनल्स में जाएंगे? ओन करेंगे, ओन करेंगे। के साथ हम बातचीत करेंगे। पहले आपका नाम सुनना चाहेंगे सर? दिनेश बोराना। दिनेश जी बोराना, आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं यहाँ पर? अबे दोनों टीम हमारे ही है, अभी तो चल रहा है उनका सपोर्ट है। और अभी एडम गिलक्रिस्ट खेल रहे हैं बढ़िया। आपने शायद वो YouTube पे देखा, बाद में देखा नहीं है, वो आउट है, वो रियर मैं सामने था ना, मेरे सामने हुआ था वो। तो इससे पता चलता है कि जो दर्शक है वो पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेशन के साथ रहेगा हमारे साथ पीजीपीएल पांचवे सीजन में। हमारे विक्रम मेरे साथ मौजूद है, किस तरह से एंजॉय माहौल है अपनी पूरी टीम में? जोश भरा हुआ है, बस अभी एक ही इच्छा है कि फाइनल में जाना है बस। थोड़ा सा आपको लगता है कि फील्डिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है इस ग्राउंड पे? नहीं नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, इजी है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। कुछ एरियाज है वहाँ पर जब बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग करते हैं आप फील्डर तो थोड़ा सा मुश्किल नजर आते हैं? मुश्किल तो थोड़ा पीछे की साइड में आता है, बाकी तो ग्राउंड तो बढ़िया है जी। सब जो माहौल है अपनी टीम में कुछ बढ़िया है आपका? सब मुराल जो है कैसा है आपके टीम मेंबर्स का? नहीं सब बढ़िया है, एकदम ओके, सब जोश में है, सब जोश से भरे हुए हैं। विश ऑल द बेस्ट विक्रम आपके टीम के लिए, उम्मीद करते हैं कि अच्छा खेल हमें देखने को मिले। तो ये विक्रम एनसीसी के कप्तान हमारे साथ मौजूद थे, जो अगले मुकाबले में खेलेंगे, एक अच्छा प्रदर्शन हमें देखने को मिलेगा उम्मीद करते हैं। थैंक यू। तीसरे ओवर का खेल चालू है, यहाँ पर 34 में एक कांची लाइंस ऑन काउंटर अटैक। कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए यहाँ पर,
अशोक जी गहलोल थोड़ा सा, अशोक जी गहलोल आगे आइए, थोड़ी सी बातचीत करना चाहेंगे आराम से। आप आनंद उठा रहे हो मैच का, छाव में कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत ही अच्छा लग रहा है इधर आके, और हमारा समाज का टूर्नामेंट हो रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है इधर। और मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन सुनी कि बेटी भी हुई, आपको कैसा माहौल है अभी? माहौल तो बहुत अच्छा है खुशी का माहौल है, एंजॉय कर रहे हो आप जीपीएल 5 सीजन जो चालू है यहाँ पर? आप घर पे एक अच्छी न्यूज भी है, लेकिन यहाँ पर आके हमारे साथ जुड़े अच्छा लगा सुन के मुझे भी कि घर पे आप गुड न्यूज है, बेटी भी हुई है, लेकिन यहाँ पर पीजीपीएल 5वें सीजन में आप अपना कंट्रीब्यूशन एज ए दर्शक आनंद उठा रहे हो। जी बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सुंदर है इधर आके, बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। यूट्यूब पे लाइव है, आपके घर के लोग भी सुनेंगे, थोड़ा सा आवाज जाना चाहिए। अभी थोड़ी आवाज हमारी दब गई है ठीक है ठीक है। कौन सी टीम को सपोर्ट करते हैं, आपको क्या लगता है कौन सी टीम इस 5वें सीजन में जीतेगी? अभी तो समाज को सपोर्ट करा, मगर अभी गांव आगे जाएगी तो अच्छा है, और लक्ष्मी नगर की जी। हाँ लक्ष्मी नगर। अभी जो खेल रहे ना दोनों में से, उसमें से मैं एक नाम पूछ रहा था आपको। अभी तो फिलहाल वानवाड़ी लग रही है। ओके, वानवाड़ी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर आप। एज अ कुछ क्रिकेट खेलते हो आप खुद? क्रिकेट तो बहुत खेलते हैं। हड़प्सर टीम के कप्तान है जो इन्फॉर्मेशन मुझे सुनाई दी। ठीक है वो बहुत हो गया, वो बोल रहे थैंक यू, लेकिन हमारे साथ जुड़े यहाँ पर। कुछ लोग यहाँ पर और जुड़े हैं दर्शक हमारे साथ, थोड़ा सा एक्शन में आइए, आपको भी यहाँ पर बातचीत करनी होगी। थोड़ा सा आगे हुए पेड़ से आगे, आपका नाम पहले सुनना चाहेंगे सर? कैलाश। कैलाश जी यहाँ पर धूप है, मस्त छाव में बैठकर आनंद उठा रहे हो पीजीपीएल 5वें सीजन का? बहुत आनंद उठा रहे हैं। आपको वो सवाल पूछना चाहूंगा, किस तरह से आयोजन कमेटी ने यहाँ पर काम चल रहा है? बहुत बढ़िया, ये कमेटी एक नंबर है और काम भी बढ़िया हो रहा है। किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आप? कौन सी बोला, अभी खेल रही है वो टीम है या सारे मिला के? मैं 10 टीमें जो प्रतियोगिता में शामिल हुई उसमें से आपको कौन से टीम को लगता है आपको कि वो फाइनल जीतेगी? मेरा भाई खेल रहा है लायंस क्लब ए में, तो सपोर्ट मैं उसको ही करूंगा आपके घर के लोग भी देख रहे हैं यूट्यूब पे? सब देख रहे हैं ऑनलाइन। तो आपका आवाज भी अभी जाएगा यूट्यूब लाइव पे? जाएगा, आवाज तो जा रहा है ना। जाएगा इसीलिए जोर से बात। जी हाँ, सब देख रहे हैं यूट्यूब पे और बढ़िया मजा आ रहा है। धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़े, एंजॉय कीजिए, ऐसे ही हमारे साथ जुड़िए रहिए पीजीपीएल 5वें सीजन में। अब और एक दर्शक, नहीं बात थोड़ा बहुत करना पड़ेगा सर, बहुत मुश्किल समय नहीं पूछू, मुश्किल सवाल नहीं पूछूंगा मैं। आपका नाम पहले सुनना चाहेंगे? पोलाराम परमार। परमार जी आप बहुत, परमार जी हमारे साथ जुड़े हुए, पूरी आपकी फैमिली यहाँ पर भी बातचीत कुछ भैया सर। थोड़ा सा बातचीत करनी पड़ेगी सर, आपका नाम? रामलाल परमार। रामलाल जी परमार पीजीपीएल 5वां सीजन का आनंद उठा रहे। यस, खड़े होकर थोड़ा सा बातचीत, यूट्यूब में आपको कैमरा में भी दिखेंगे आप। अच्छा, बोलिए। कैसा लग रहा है पीजीपीएल 5वां ये सीजन ऑर्गेनाइज, कैसा कमेटी का काम चल रहा है सभी बच्चों का? कमेटी का काम अच्छा चल रहा है और मैच भी और मजा भी आ रहा है देखने के लिए। आपकी फैमिली भी देख रही है यूट्यूब पे यहाँ पर ग्राउंड पे आके? ये बच्चे भी इधर आके गए, इधर भी है। और कौन से टीम को आप सपोर्ट कर रहे हो? अपन सबको सपोर्ट करते हैं, ऐसा तो हमारा लक्ष्मी नगर का लेके जाने वाला है। पूरा कॉन्फिडेंट
एनसीसी और लक्ष्मीनगर दोनों भी कप्तान मेरे साथ जुड़ते हुए टॉस के लिए जो अगला मुकाबला यहाँ पर खेला जाएगा पीजीपीएल पांचवें सीजन क्वालिफायर वन नंबर एक और नंबर दो टीमें बराबर इसमें से आप जो जीतने वाली टीमें सीधा फाइनल्स में जाएंगी। यस टॉस हु विल कॉल अशोक जी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद टॉस करने के लिए दोनों भी कप्तान लक्ष्मीनगर और एनसीसी के मेरे साथ जुड़ते हुए यहाँ पर क्वालिफायर वन नंबर एक और नंबर दो की टीमें जीतने वाली टीम सीधा जाएंगी फाइनल्स में पीजीपीएल पांचवें संस्करण की। अशोक जी प्लीज स्विंग द कॉइन हेड्स इज द कॉल ऑफ एनसीसी कैप्टन हेड्स इट इज एनसीसी के कप्तान विक्रम ने टॉस जीता यहाँ पर क्या करना चाहेंगे विक्रम लक्ष्मीनगर सॉरी बॉल फर्स्ट 10 ओवर की खेल 12 ओवर 10 ही है यहाँ पर जो कमिटी ने यहाँ पर बताया 10 ओवर का खेल है बॉलिंग का फैसला क्या है कितनी स्कोर में रिस्ट्रिक करना चाहेंगे आप कप्तान 100 के अंदर 100 के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा दोपहर आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा गर्मी में कैसा लगता है अंदर बहुत धूप भी है कुछ नहीं नॉर्मल लगता है प्रैक्टिस है आपको सभी प्लेयर्स को यानी फुल प्रैक्टिस विश ऑल द बेस्ट यहाँ पर लक्ष्मीनगर के कप्तान मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने टॉस जीता है और फील्डिंग का फैसला यहाँ पर किया है और अब विक्रम आपसे भी बात करना चाहेंगे एनसीसी के कप्तान नंबर एक नंबर दो की टीमें आप दोनों भी जीतते हैं तो डायरेक्ट फाइनल्स में पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है लक्ष्मीनगर के कप्तान ने आपको कितना टारगेट मन में चल रहा है 130-140 अटैकिंग क्रिकेट यानी मैं देखने को उम्मीद करता हूँ कि एक अटैकिंग क्रिकेट 130-140 हाँ बढ़िया रहेगा स्कोर सिम कैसा माहौल है पूरी टीम में मैंने जो सवाल आपको पूछा था एक बार फिर से कैमरे पर पूछना चाहूंगा किस प्रकार से माहौल है टीम बढ़िया है टीम पूरी जोश से भरी हुई है अच्छा ही करेंगे जो करेंगे वो ओके विश ऑल द बेस्ट ज्यादा स्ट्रैटेजी में पूछूंगा नहीं माइक पे आप उम्मीद करता हूँ कि फील्ड पे उसको इम्प्लीमेंट करें विक्रम थैंक यू वेरी मच दोनों भी कप्तान यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलते हुए टॉस जीता है लक्ष्मीनगर के कप्तान ने पहले फील्डिंग का फैसला क्वालिफायर वन इस मुकाबले के बाद थोड़ी देर में हम शुरुआत करेंगे थैंक यू दैट्स इट फ्रॉम द टॉस कांची लाइन्स ऑन द बढ़िया रिप्लाई यहाँ पर पांचवी ओवर का खेल जारी जो एनालिसिस में देख रहा हूँ यहाँ पर 60 के ऊपर ऑलरेडी बना चुके हैं टीम कुल मिला के जो स्कोर है 62 रन 3 विकेट के नुकसान पे लॉन्ग द कार्पेट लॉन्ग ऑन की तरफ उस गेंद को खेला है और जब तक गेंद को फील करते मौका था बल्लेबाज के पास से एक रन लेने का ओवर की समाप्ति यहाँ पर पांच ओवर के खेल के बाद 63 पे 3 63-43 50 रन चाहिए 30 गेंदों में 10 रन प्रति ओवर का ये औसत रिक्वायर्ड औसत गोपाल और धनंजय परिहार इस समय बल्लेबाजी करते हुए तो थोड़ी सी बातचीत हमने की थी दर्शकों के साथ टॉस भी किया था तो एक अच्छा मुझे देख के लगा कि सब आनंद उठा रहे इस टूर्नामेंट का चाहे वो जो दर्शक है टीम मेंबर्स से कंपटीशन जरूर रहनी चाहिए लेकिन फेयर प्ले जो तो कप्तान थे एनसीसी और लक्ष्मीनगर के नंबर एक और नंबर दो की टीम है लक्ष्मीनगर और एनसीसी टॉस जीता लक्ष्मीनगर के कप्तान ने और फील्डिंग करने का फैसला लिया है क्वालिफायर वन जीतने वाली टीम सीधा जाएगी फाइनल्स में हारने वाली टीम को वो नंबर तीन और नंबर चार की जीतने वाली टीम के साथ मुकाबला खेलना पड़ेगा तो आईपीएल फॉर्मेट में एक
जिस तरह से खेला जाता है, एक और दो नंबर की टीम को एक एडिशनल मौका। आधे ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। गांची लाइन साउंड की टीम 63 पे 3 63 for 3। 50 रन चाहिए यहाँ से मुकाबला जीतने के लिए 30 गेंदों में। करंट औसत 12.60, रिक्वायर्ड औसत 10 रन। आखिरी मुकाबला यह लीग का PGPL पांचवा संस्करण। कड़ी धूप है लेकिन जो बातचीत जो मैं कर रहा था किसी के चेहरे पर वो थकान नहीं थी, सब एंजॉय कर रहे। अभी तक जो एक खेल अच्छा देखने को मिला। कल के दिन से मैं जो यहाँ पर कमेंट्री कर रहा हूँ सभी जो मैचेस है एज अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तहत खेले गए। इंस्टाग्राम पे आप सपोर्ट कर सकते हो, PGPL पेज जो क्रिएट किया है उसको फॉलो कर सकते हो अपडेट्स के लिए। यह वहां में गेंद जरूर थी, फाइन लेगा अंदर, फर्क नहीं पड़ेगा आउटफील्ड। तरफ खेला है फील्डर हालांकि मौजूद है, मात्र एक रन मिलेगा इससे। एक रन के साथ मोनिश ने अपना खाता भी खोला। अभी भी रीच में है अगर टारगेट की बात करेंगे, 10-11 रन का औसत। चार ओवर के खेल में कुछ मुश्किल नहीं होता लेकिन उसके लिए चाहिए एक बल्लेबाज का अंत तक खेलना। एक बल्लेबाज को जिम्मेदारी लेनी होगी। गति का इस्तेमाल करना चाहते थे, हालांकि गति इतनी थी नहीं लेकिन फिर भी जो बैकवर्ड ऑफ पॉइंट के फील्डर थे बीट किया उनको। दो रन का इजाफा स्कोर की संख्या में। गोपाल और टीम को मिलने वाले दो रन, लेकिन रिप्लाई अच्छा दिया है। गांची लायंस साउंड की अगर बात करें 113 रन का जो लक्ष्य है उसका पीछा करती हुई टीम 70 पे 4 अभी तक 5.5 के बाद 43 रन 43 रन चाहिए यहां से 25 गेंदों में। वहां में गेंद और शायद वो गैप ढूंढने में कामयाब भी रहे। एक और परमा स्वीट सिक्स। Runs required in 24 balls. Equation इस मुकाबले के लिए ये आखिरी लीग मैच, इसके बाद क्वालिफायर 1 लक्ष्मी नगर
वर्सेस एनसीसी। गोपाल यावर 17 पे बल्लेबाजी कर रहे, 10 गेंदों में 170 का स्ट्राइक रेट, 6 रन भी लगाए थे आखिरी गेंद पर पिछली ओवर की। उम्मीदें कायम रखेगी जब तक कोई एक सीट बल्लेबाज, गोपाल 17 पे बल्लेबाजी कर रहे, उम्मीद ही रहेगी कि अंत तक खेले। 9.25 रिक्वायर्ड औसत यानी एक बड़ा हिट प्रति ओवर। थोड़ी सी बातचीत चलती हुई यहाँ पर फील्डिंग साइड की, 112 रन आपने बनाए फिर भी मशक्कत तो आपको करनी पड़ेगी क्योंकि रिप्लाई बढ़िया दिया है कांची लायंस साउंड की टीम ने। चलो जल्द से जल्द कीजिए ओवर प्लीज, अभी 2 मैच है सभी भी बाकी, शायद थोड़ा सा डीले हम चल रहे हैं, 40 से 45 मिनट। और एक और बड़ा हिट यहाँ पर, इस्तेमाल इस बार स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर को बीट किया। इस बार संपर्क इतना खास है, फील्डर नीचे इतना खास नहीं था, वहां पर क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन एक अटैकिंग छोटी सी बट एक आकर्षक पारी का अंत, कैच आउट के स्वरूप में मोनीश आउट होकर पवेलियन में जाते हुए 23 रन बनाए 6 गेंदों में। बढ़िया तरीके से अपना काम जो था, छोटी सी बट आकर्षक पारी यहाँ पर। अब जो जीत का इक्वेशन है, 15 रन चाहिए 19 गेंदों में, 15 runs required in 19 balls. चलो नेक्स्ट बल्लेबाज जल्द से जल्द आ जाइए, समय काफी कम, 2 मैचेस अभी बाकी है और ग्राउंड लिमिटेशंस भी है। नंबर 1, 2, 3, 4 सारी टीमें अब जो दोपहर के सत्र में खेलेंगी, अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा गेंद और बल्ले के बीच में, दिशा से बट के इस बार अपील थी लेकिन वो वाइट से बचने के लिए अपील थी, लेकिन ऑफिशियल अपने डिसीजन पे का वहां पर बरकरार वाइट करा दी। 99/5 अब जीत के लिए चाहिए कांची लायंस साउंड की टीम को 14 रन 19 गेंदों में। इस बार आखिरी गेंद पर पूरी तरह से बीट किया वहां पर बल्लेबाज के लिए, ओवर की समाप्ति अच्छा ओवर है, कांची लायंस का विकेट जरूर गया लेकिन रन भी बहुत आए, 23 रन आए कुल मिला के उस ओवर में। ओवर की समाप्ति 7 के बाद 99/5 कांची लायंस साउंड, 14 रन चाहिए 18 गेंदों में, 14 रन रिक्वायर्ड इन 18 बॉल्स। बढ़िया पोजिशन में लेके गए यहाँ पर,
जिस तरह से बल्लेबाजी की मोनिश ने 23 रन बनाए 6 गेंदों में वो 23 रन, जिसके कारण से एक बढ़िया सिचुएशन में अब गांची लायंस ऑन की टीम। गेंदबाजी के लिए बाहुबली बल्ले के साथ, बढ़िया दिन आज। मैजिकल फिगर चाहिए क्योंकि 14 रन 18 गेंदों में इतना डिफिकल्ट नहीं रहना चाहिए। इस बार फाइनली की तरफ खेलना चाहते थे, गति का इस्तेमाल, लेकिन शायद उतनी गति थी नहीं। मेहनत जरूर की है बाहुबली ने आज बल्ले के साथ, लेकिन अभी टीम थोड़ी संकट में है। चाहेंगे कि विकेट शट हुआ यहाँ पर, 5 विकेट। दिशा दी इस बार थर्ड मैन की तरफ अंदर, थर्ड मैन शॉट, थर्ड मैन की तरफ उस गेंद को खेला 1 रन के लिए। एक ही मात्र विकल्प है अभी बल्ले फील्डिंग साइड के लिए, अगर मुकाबले को जीतना है तो बचे हुए 5 विकेट चटकाने होंगे, तब भी जाके कुछ हो सकता है। इम्प्रोवाइज यहाँ पर शफल किया तो ऑफ स्टंप के बाहर चले गए थे, मन बना लिया था पहले, लेकिन गति नहीं थी गेंद में और लेंथ थी वो छोटी सी, गलत लाइन का चयन। मन बना के खेल रहे हैं, कमिट कर रहे हैं स्ट्रोक को, इस कारण से वो टाइमिंग नहीं निकल रही है। लेग बाय का इशारा और इस रन के साथ 100 रन भी पूरे भाई गांची लायंस टीम, 101 रन माफ कीजिएगा 101 पे 5। अब जीतने के लिए चाहिए 12 रन 14 गेंदों में। पीट क्या यहाँ पर, ये थोड़ा सा मुश्किल है, गेंद टर्न लेती है, अनइवन बाउंस वहाँ पर मौजूद रहता है, तो आपको पीछे लेके आना है बॉडी को, थोड़ा सा आगे निकल चले गए थे। फुल टॉस, लो फुल टॉस, बीट किया स्क्वायर लेग की फील्डर को और पूरे मिलेंगे यहाँ पर 4 रन पर मास स्पीड चौका। हमारे जो दर्शक है उनका एक मोबाइल फ़ोन है आईफोन, वो गुम हो चुका है, अगर किसी को मिलता है तो कृपया आप कमेंट्री बॉक्स में सपूत कीजिए, आईफोन मोबाइल लॉस्ट हुआ है हमारे किसी दोस्त का, तो कृपया आप अगर आपको मिलता है कहीं ग्राउंड पे तो आप कमेंट्री बॉक्स में सपूत कीजिए, धन्यवाद। 8 ओवर की समाप्ति 107 पे 5, 6 रन चाहिए 12 में, 6 टू विन फ्रॉम 12। बल्ला पहले चला दिया था, गेंद बाद नहीं आई, गति के साथ वो एडजस्ट नहीं कर पाए, गलत लाइन का चयन, डॉट गेंद, लेकिन बहुत बढ़िया पोजीशन में लेके गए मोनिश, 6 गेंदों में 23 की पारी, तो काम आसान बना दिया है, तो एक दो गेंदे डॉट, दबाव नहीं बनेगा बल्लेबाजों के ऊपर। एक शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, स्क्वायर लेग गेंद के नीचे और शायद वो आसानी के साथ गेंद को लपकते हुए विकेट का आठ दशमलव दो के बाद 6 रन चाहिए अब 10 गेंदों में, बातचीत यहाँ पर चलती हुई लक्ष्मीनगर और एनसीसी दोनों भी टीम्स उम्मीद करता हूँ कि तैयार है इस मुकाबले के बाद, जल्द से जल्द मुकाबले को शुरुआत करेंगे। केवल 3 घंटे बचे हैं इसके बाद और 2 मैचेस बाकी,
पर स्वीप करना चाहते थे लेकिन वो गेंद में गति नहीं थी इस बार। इस बार कनेक्शन बढ़िया है और शायद नहीं रोक। टू टू विन फ्रॉम एट बॉल्स। मात्र दो रन की दरकार अब इस मुकाबले को जीतने के लिए गांची लायंस साउंड की टीम को। अलोंग द कार्पेट इस बार मिड विकेट की तरफ खेला है आसानी के साथ। अब स्कोर लेवल होता हुआ दोनों भी टीम का 112 रन और एक रन की जरूरत। अब सात गेंदों में एक रन। वहां में गेंद स्क्वायर लेके फील्ड नीचे और एक आसान सा एक और। एक रन चाहिए जीतने के लिए दोनों भी टीम का स्कोर लेवल यहाँ पर और फील्डिंग साइड को चाहिए वो दो विकेट अगर लेवल करना है। सुरेश के नए बल्लेबाज गेंदबाजी के लिए तैयार फिर से रोजर। और निकल गई गेंद और इस चौके के साथ इस मुकाबले को जीता यहाँ पर।